नवजोत सिंह सिद्धू दे अहुदा संभाल समागम च मेहमान बने कैप्टन चादी मेज ते दोवें नजर आए इकट्ठे मंच ते सिद्धू ने दिखाए पुराने तेवर बोले 18 नुकाती एजेंडा पूरा करवाउण ते रहेगा जोर। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन नूं मुद्दियां ते केरा ड्रग्स किसान ते बेदबी इंसाफ मामलों का किया जिक्र बोले जे मुद्दे हल ना होए फिर प्रधानगी कख दी नहीं। सुनील जाखड़ ने कैप्टन राज च हावी ब्यूरोक्रेसी खिलाफ कड़ी पड़ास बोले अकालियां नूं रेड कारपेट मार गया ते पंजाब कांग्रेस नूं रेड टेप ब्यूरोक्रेसी लै डुबी। किसानों ने दूजे दिन भी लाई संसद सरकार नूं ठंडे दिमाग नाल मसला हल करन दी कीती अपील खेती मंत्री बोले ज्यादातर किसान कानूनां दे पक्ष च कुछ जथेबंदियां नूं एतराज। खेडां दे महाकुंभ ओलंपिक्स दा जापान दे टोकियो च होया आगाज़ मार्च पास दे विच भारत दे 19 खिडारी होए शामिल मनप्रीत सिंह ते बॉक्सर मैरीकॉम ने कीती भारतीय दल दी अगवाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने रस्मी तौर ते पंजाब कांग्रेस प्रधान दा अहुदा सांभ लिया पर इस तो पहला उन्होंने कुछ रस्मां अदा कीतियां। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उन्होंने खाने दा मेज भी सांझा कीता ते मंच भी। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जदों तक जनतक तौर पर सिद्धू उन्होंने तो मुआफ़ी नहीं मंगते वह नहीं मिलणगे उन्हां दे नाल, पर नवजोत सिंह सिद्धू दे नाल उन्होंने मुलाकात की वह भी बिना मुआफ़ी दे। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। दिल्ली मॉडल पक छे उड़ा देने पंजाब मॉडल ने, याद रखियो मित्रों, याद रखियो पंजाब जीतू पंजाबी जीतू। अहुदा नवां तेवर पुराने, इन्हें पंजाब कांग्रेस के नवे कप्तान नवजोत सिंह सिद्धू। शुरुआत कुछ इउं हुई सी, पटियाला तो चंडीगढ़ लई निकले वड्डी जिम्मेवारी सांभण दे लई। अगे आ मुलाकात हुई कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल, जिन्हां ने मुआफ़ी वाली वड्डी शर्त लाई सी, पर मिल बिना मुआफ़ी दे लई। ज़्यादा न्योता तो 10 बजे का सी, पर जो कैप्टन सिद्धू पहला ना दिसे तो सवाल हो गया कि आखिर कित्थे सी। सिद्धू ने भी हाथ जोड़ जवाब दिता। नवजोत सिद्धू कैप्टन दे सामने बैठना चाहते सन, पर कांग्रेसियों ने जोर पाया तो नाल वाली कुर्सी ते जा बैठे। नवजोत सिंह सिद्धू नाल राबते दे दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह दी नज़र कड़ी ते सी, उस वक्त ते जो लगातार तेजी नाल बदल रहा सी, ते आखिर वो वेला आ ही गया जदों प्रधानगी वाला ताज सजिया सिद्धू दे सिर कैप्टन दे सामने। कैप्टन भी वधाई देण लई उठे, पर जदों लग्या कि सिद्धू गौर नहीं कर रहे तां कप्तान नूं कहना ही पिया कि सिद्धू गल सुणो। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਲੜਨੀ ਪਊ, ਨਵਜੋਤ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਲੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1963 ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ IMA ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 6 ਸਾਲ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਭਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਗਿਣਵਾਏ, पर सिद्धू ने तवज्जो दी भविख नूं।
कैप्टन नातियां दी गल कर रहे सन पर सिद्धू ने मुद्दे याद करवाए। ये 18 नुकाती एजेंडा जो लेके ता दिल्ली तो कैप्टन आए सन पर पूरा करवाउण दा दम सिद्धू ने भरिया। नवजोत सिंह सिद्धू अपने मुद्दियां तो कांग्रेस दे हाई कमांड दे दिते 18 पॉइंट एजेंडे तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा तो दिल्ली मॉडल दे पक्ष छे उड़ा देने हैं पंजाब मॉडल ने। याद रखियो मित्रों, याद रखियो पंजाबियां, पंजाब जीतू, पंजाबी जीतू ते मेरे वड्डे सिर दे उत्ते हाथ रखण ते वट कर दूं, वट निचोड़ दूं, निचोड़। नवजोत सिंह सिद्धू कुछ महीनों तो जिन्हों मसलों से ट्वीट करते सन उन्होंने कैप्टन की मौजूदगी स्टेज पर सिद्धू ने उच्ची आवाज च दोहराया। संकेत सीधा है कि कैप्टन की कारगुजारी से सवालिया निशान जारी ने। अपने पुराने स्टैंड से सिद्धू कायम ने पर कैप्टन के सुर जरूर नरम नजर आए। मुआफ़ी वाली शर्त भी भुल गए। हाईकमांड के आदेशों से दोवें नेड़े नेड़े हो बैठे पर यह भी किसी तो लुकया नहीं कि दोवां दीआं दूरियां जो हुण सुलझियां जापरियां ने किसी भी वेले सुलग सकदियां ने। बिना मुआफ़ी दे मन्ने कैप्टन अमरिंदर सिंह दे सुरता नरम सन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे प्रति नवजोत सिंह सिद्धू दे तेवर पहलां दी तरह पुराने सन। उन्होंने एक एक करके मंच तो वो सारे मुद्दे गिणवाए जिन्हां दी गल ओह अक्सर पहलां करदे रहिंदे ने। फिर चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिता कि उन्हां दी सरकार ने बहुत काम कीता है। रस्मी तौर उत्ते पंजाब कांग्रेस के प्रधान वजो नवजोत सिद्धू ने अहुदा संभाल लिया है पर इस दौरान सब की नज़र मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अते नवजोत सिद्धू के हाव भाव तो लैके खासकर उन्होंने भाषण उपर टिकी हुई सी। साफ विखिया नवजोत सिद्धू शरेआम कैप्टन अमरिंदर सिंह नज़रअंदाज करते विखे। जो वारी स्पीच की आई तो कैप्टन के सुर नरम रहे पर सिद्धू ने कोई कसर न छी। और कोई छोटी गल नहीं होंगी, पंजाब दे विच समस्यावां बहुत ने, समय लंघ जांदा है, लोगों की आशावां बंदियां ने ते फिर थोड़ी देर बाद लोग कह लग जाते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं तुहानूं दस सकदा जिन्हें इन्होंने किया है और जो प्राप्त पंजाब दे विच प्राप्तियां हुई ने कोई हुकूमत नहीं पहला उठ के कह सकती कि असीं कीता सी। मसला यह है कि अज पंजाब का किसान दिल्ली दियां ब्रूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों के उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने नर्सा नु रहन नु थानी, मसला है क्यों बिजली 18 रुपये नु खरीदी जावे, क्यों बिजली का समझौतों का 7 बार ना होए, क्यों चोरों की चोरी फड़ी ना जावे। गल घूम के बेअदबी और गोलीकांड मुद्दों से आई। कैप्टन ने दावा किया कि कई मामलों में चलान पेश किए गए हैं, काम कानून मुताबक हो रहा है। सिद्धू ने भी कह दिया कि गुरु के इंसाफ बिना प्रधानगी कख दी नहीं। कहना कि गवर्नमेंट कितने पिछे रह गई, कोई गल्लां हो जाती ने, कई कानूनी व्यवस्था हो जाती है। बरगाड़ी का जिक्र होया, कोटकपूरे का जिक्र होया, बेबलकरां का होया, ज्वारके का होया, ये सारिया गल्लां संबंधित ने कानून दे विच ये सारे चलान पेश हो गए। अखीला जिहड़ा चलान सी और इन्होंने हाई कोर्ट तो स्टेट ने ले लेता सी, वह असी खत्म करा के परसों उहदा चलान भी पेश करवा दिता। ये समय लगता है, अगर ये मसले हल नहीं होंगे और मेरे गुरु का इंसाफ नहीं होंदा ते कख नहीं आ फिर कख। ए साफा मेरा दसम पिता का बख्शिया
ਕਿੱਦਾਂ ਫੇਸੀਏ ਬਿਸਤਰ ਲਾਓ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੇ ਬਿਸਤਰ ਇਸ ਆਫਿਸ ਚ ਬਿਸਤਰ ਲਾਓ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਦੱਬਾ ਬਿਸਤਰ ਗੋਲ ਕਰੂ ਤੇ ਨਾਰਾ ਗੂੰਜੂ ਹਰ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਥੈ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਦੀ ਵਫਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਰਕਰ ਜਿਉਂਦਾ इस साबे च मौजूदा समय पंजाब की किसानी सब तो वड्डा मुद्दा है। सूबे के किसान केंद्र की खेती कानून खिलाफ दिल्ली बॉर्डर उत्ते महीनों तो बैठे ने। किसानी सूबे की रीढ़ की हड्डी है। अजिहे च सिद्धू ने भी इच्छा जाहिर कर दी कि वह किसान मोर्चे नूं मिलना चाहते ने। मैं अज किसान मोर्चे वालों नूं मेरे बुजुर्गों नूं ए कहना कि प्यासा खूह कोल आउंदा प्यासा खूह को आगा खूह प्यासे को नहीं आगा मैं थोनू अज सदा देना मैं थोनू मिलना चाहना मिलो दसो कि सेध किवें मिलूगी मैं जानता कि तीन काले कानून तुसी नहीं लागू करते हो लगड़े हो गए मैं जानता तुसी सरकारां भी सिटना मैं जानता तुसी धौण ते गोडा भी दे जाओगे लेकिन हल की ने आओ विचारा करिए साडी सरकार की ताकत किस तरह काम आ सकती है लोगों के टैक्सों की ताकत ओ वीरो किसान ते किसानी पिंडां च वसदी है। अंदोलन के चलदियां लगभग हर पार्टी के लीडरां नूं पिंडां च वड़ना मुश्किल होया पिया है। सिद्धू भी चाहते ने इस खड़ोत नूं तोड़िया जाए जेकर 2022 विच फतेह पाउणी है मतलब साफ है आउंदे दिनां दे प्रोग्राम का सिद्धू इशारा कर गए ने। नवे प्रधान के तेवर तो तिखे ने सब जानते ने पर पुराने प्रधान यानी कि सुनील जाखड़ ने भी मंच तो खरिया खरिया सुनाइया कांग्रसियों नू भी ते विरोधियों नू भी की क्या सुनील जाखड़ ने पूरी खबर ब्रेक दे उस पार अकाली दल नू रेड कारपेट लै डुब्या ते पंजाब कांग्रेस नू रेड टेप ब्यूरोक्रेसी यही कह के सुनील जाखड़ ने कीती सी शुरुआत ते उस तो बाद ला दिते इल्जामां दी चढ़ी अपनी ही पार्टी ते गिणवा दित्तियां कई खामियां की कह सुनील जाखड़ ने देखदे इस रिपोर्ट दे विच और पंजाब कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का रास्ता कोर्ट कपूरा और पैदल कला से होके जाता है साहब इन्हां लोकां नूं आने वाली थां जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नूं आने वाली थां लेके जाओगे अकालियां नूं तां रेड कारपेट मार गई साडी कांग्रेस नूं रेड टेप मार गई ब्यूरोक्रेसी लेके बह गई जिहड़े लोग रोज रुस के जावरदे आ तुसीं मना के फेर लै आंदे हो ओह फेर रुस जांदे आ आ कांग्रेस दे फुफड़े साहब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਆਖਰੀ ਗੀਤ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਆਖਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਈ ਹੈ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ साढ़े चार साल तक दबी आवाज च सही पर हुण खुल के सुर लाए ने नौकरशाही खिलाफ अफसरशाही तो किन्ने परेशान ने खुद ही सुन लवो अकालियां नूं तां रेड कारपेट मार गई रेड कारपेट बिछा के जिस दिन अकाल तख्त साहब गए है जिस दिन भंगड़े पाए है निबड़ गए साहब निबड़ गए गुरु महाराज की बेअदबी करके ते भंगड़े पांदे उत्थे फिरदे है ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਮਾਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਮਾਰ ਗਈ ਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਸਰ
पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत के हाथ साबका प्रधान ने राहुल और सोनिया गांधी ले सुनेहा भी भेजे कि किवें दिल्ली च कांग्रेस लई सत्ता वाली कुर्सी का राह पंजाब चो होके जांदा है अते पंजाब च सत्ता च वापसी का राह कोटकपुरा ते बैबल कलां चो होके जांदा है। रावत साहब आप जाके एक मैसेज लेके जाना वापस सोनिया जी और राहुल जी के पास में, कांग्रेस का नेशनल लेवल के ऊपर रिवाइवल जो है उसका रास्ता पंजाब से होके जाता है और पंजाब का एक मिनट यार गल सुन लो और पंजाब कांग्रेस के वापस सत्ता में आने का रास्ता कोटकपुरा और बैबल कला से होके जाता है। साहब यू आर कीपिंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, आज जलवा तुसी दिखाओगे सानू पूरी उम्मीद है इन्हां लोकां नू आने वाली थां जिन्हां ने बेअदबियां कीतियां उन्हां नू आने वाली थां लेके जाओगे। अपने दिया खामिया ते जाखड़ कुछ इस तरह नाल वरे के गल्लां गल्लां च कईयां दी तह फरोल गए, दस गए कि किस दे तार अमित शाह नाल जुड़दे ने ते किस दे केजरीवाल नाल। रंधावा साहब जिहड़े रुसके जावर दे उन्हां नूं मनान करे जांदे रहिंदे आ ते अज तुहानूं चाबियां किहने पकड़ाणियां सी साहब, अज चाबियां किहने पकड़ाणियां सी तुहानूं इस नवें मकान दीआं, अज तुहानूं सुनील जाखड़ याद ही नहीं रहा। सुनील जाखड़ कांग्रेस का पैदाइश है साहब, सुनील जाखड़ अज मैं स्टेज ते खड़ा कांग्रेस करके खड़ा, मेरी गल नहीं। जेड़े लोग रोज रुस के जावरदे हैं तुसीं मना के फेर ले आने हो ओ फेर रुस जांदे हैं, आ कांग्रेस दे फुफड़े साहब उन्हां नूं आने वाली थां लाओ, आने वाली थां लाओ, उन्हां नूं तमाशा बनाता। कई लोग चर्चावां चल रही है जदों दो तीन महीने हुए ने बड़ा ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕ ਨਿਤਰ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਗਸਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਜੋੜ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਟਪੂਸੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। जो अपने सरेआम कैप्टन नु घेर रहे ने फिर भावे विरोधी किवें पिछे हट दे। अगे तुसी देखिया पिछले डेढ़ दो महीनिया दी इन्हां दी खिचोतान लोकां दा ध्यान भटकाउण वास्ते जिथे लोकी बेहाल ने, बिजली होए ना होए, मीह पिया ना पए, किसान बैठिया है मरिया है, दुकानदारा दा गरीबां दा नौजवानां की सब अपने हाल च छड्डे होए ने, ते दिल्ली ने तां सैकड़ों गेड़े कटते आप दी कुर्सी दे लालच विच। ये ध्यान भटकाउण वास्ते आ खिचोतानी दा ड्रामा तां दो तीन महीनों दे आपां देख रहे हैं, ते अज जब किसानां नूं लोड़ है, जब पार्लियामेंट कल्ले 19 दिनों वास्ते बैठ रहा है, इन्हां 19 दिनों च असी सरकार नूं मजबूर करना है कि किसान की गल मनी जाए, ते अज पूरी कांग्रेस पार्टी संसद विच हाजिर होने के बजाय अज चंडीगढ़ ताजपोशी वास्ते बैठी है। नवा प्रधान होवे या पुराना, सवाल दोवां दे ही कैप्टन अमरिंदर सिंह वल जांदे ने। अपनी सरकार तो किस कदर खफा ने ये तकरीरां बयान करन लई काफी ने। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਇਆ। ਆਟ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਅਸਹਿ ਔਰ ਅਕਹਿ ਜਿਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਰਰਿਪੇਰੇਬਲ ਲੌਸ।
मंदभागे दर्दनाक हादसे च जान गवाउण वाले कांग्रेसी वर्करां दी मौत ते दुख जाहिर करन दे लई पंजाब कांग्रेस दे नवे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू खुद पहुंचे। दुर्घटना दे विच तीन लोगों की मौत हुई है, कई जख्मी ने। सरकार वालों मृतक परिवारों के लिए 5 लाख अते जख्मियों के लिए 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। मंदभागी घटना है, भाणा वापरिया है। असी घाट तो पूरी नहीं कर सकते, पर इस दुख के बोझ नूं जरूर चुक सकते। सरकार वालों जिहड़े साढ़े वर्करां जिहड़े रीढ़ की हड्डी है दी डैथ हुई है, उन्हां नूं सरकार वालों 5 लाख रुपये अनाउंस किए हैं। पर 5 लाख किस काम का जो जान ही चलिए, तो जिन्हों का इलाज चल रहा है 50,000। लेकिन मेरा छोटा भाई जी का वो कहता जी चाहे 50 लाख लग जाए पर असी इलाज बहुत ही चंगा करावा। असी इन्हां दे दुख च इस बोझ नूं थोड़ा हल्का कर सकते हैं, इस करके ये वर्कर साड़ी आन बान शान है। ये सहारे ही असी किसी भी लड़ाई दे विच उतरते हैं। सर कितना वड्डा कटा होया? बहुत वड्डा, असह असह और अकह जिहदी भरपाई नहीं हो सकती। इट इज़ एन इररिपेरेबल लॉस। तो मैं अंदर देखिया, मतलब ये बारे हम देखो कई बार रब की रजा च राजी रहना पैदा, बस नहीं चलता। बाकी परमात्मा उन्होंने परिवारों को ताकत दे कि वो इस विछोड़े नू सह सके। नवजोत सिंह सिद्धू लुधियाणा तो बाद पहुंचे मोगा, जिथे उन्होंने मरीजों का हाल जाणिया। मोगा दे विच जदों शुक्रवार सवेरे नवजोत सिंह सिद्धू दे औदा संभाल समागम चौंदे लई बस च सवार होके हमायती निकले सन, तां मोगा अमृतसर रोड ते हादसा पेश आया। हादसा इन्ना भयानक सी कि ऐन मौके ते बस दे ड्राइवर दी मौत हो गई, जदों कि कई लोग जख्मी ने ते हस्पताल दे विच इलाज जारी है। फ्रंटफुट दे विच अज दे लई इन्ना ही, मैनूं दिओ इजाजत। पर लीड स्टोरी दे विच तफसील दे नाल देखना ना भुलना कि मजबूरी च सही कैप्टन अते सिद्धू दीआं मिटियां दूरियां दे आखिर कीने मायने।